हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं घर पर हूँ और युवान मुझे घर से निकालने की पूरी तैयारी में है। युवान को बार बार डाउट हो रहा कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैंने बैग अनपैक किया, अपना सामान रखा, तो युवान को लग रहा है, देखो वहाँ कहाँ घुस रहा है, तो इसको लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ। अभी मैं नहा के निकली तो इसको लग रहा है, डाउट हो रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ। अदरवाइज मेरे को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है दो दिन से, बट बाहर जाने के नाम से, बिकॉज ही लव्स टू गो आउट। तब ये मेरे को मस्कर लगाने लग रहा है। देखो इसको, हालत देखो इसकी, जस्ट लुक एट हिम। ये क्या चल रहा है, वो गंजू, जस्ट लुक एट हिज गंजू पटेल। ये जान के मुझे मारने लग रहा है। वैसे कहा गया था कि जो जब इनके बाल काट देते हैं ना, जब ये सेरेमनी होती तब इनका एक बच्चे एग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बाल जो होते हैं ना, दे इरिटेटिव। तो अब तो इसके कट गए, बट फिर भी वो एक्सक्यूज काम नहीं हो रहा, बिकॉज ही इज बीइंग इक्वली एग्रेसिव द वे ही वाज अर्लियर। नाउ मेरा पाउच लेके कहीं भागने लग रहा है। प्लीज रुक जा गाइस, सामान इसे ना बचा कर रखना पड़ता। अब देखो ये डब्बा पकड़ लिया, तो भाई रुक जा ब्रो, रुक जा मेरे भाई। देखो 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 इसको, अब मेरा वो लेके चला गया गंजे। टकलू राम कहाँ लेके चले, कहाँ लेके चले आप हमारा डब्बा? हाँ मेरा डब्बू पब्बू। देखना 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 इसको, अब ये ही खेलता रहेगा इसको। किस्मत हो आपने अपना साहब है। भाभी बना रही है रोटियां और मैं बना रही हूँ व्लॉग। ओह माय गॉड, हाउ प्रोडक्टिव। ये देखो बंदर गंजा, क्या कर रहे हो आप? ये डब्बे के साथ क्या कर रहे? दे दो डब्बा, दे दो डब्बा। बोला खाना खाने बोला है? अच्छा ठीक है, मैं आ गई। खाने खाने बुलाया, अब तो मुझे जाने पड़ेगा। मुझे युवान बुलाने आए हैं तो मुझे जाना पड़ेगा ना। लॉक कर दिया इसने मुझे, देखो हाथ से बंद करना। नहीं आना बुई को, भाभी तो बुलाने आए, अब नहीं आना बुई को। रुट खा से ए सचिन टू है गंजे, जा बन रहा है गंजू। आ मूवी का जो अमिताभ बच्चन नहीं था वैसा नहीं लग रहा। देखो पा मूवी का अमिताभ बच्चन, अब पकड़ के रखोगे क्या? देखो गाइस, ही डज नॉट वॉन्ट टू लेट मी गो, ही हैज एक्सेप्टेड एंड लव्ड मी नाउ। अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था ये, अभी दांत मार रहा है वो भाई। मिट्टा ये क्या मूड स्विंग्स बचते रहते हैं आपके, इनको क्या होता रहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी इनको प्यार करना होता है, कभी एकदम से खाने दौड़ते, कभी थप्पड़ मार देते हैं, समझ नहीं आ रहा इन बच्चों का। अभी ये खेलना है इसे। आपने देखा है पा मूवी? मैंने देखी है। कौन सी बताओ? अमिताभ बच्चन। बेटा यहाँ बैठो नीचे और ये खाओ, मेरे पीछे हो जाओ। आज खाने में बने हैं सरसों की सब्जी, सरसों का साग और दाल एकदम। तो क्या है ये काठू है, पालक है, सरसों है, आलू है, लगेड़ा है। लगेड़ा क्या होता है? लगेड़ा की सब्जी है गाइस, मिक्स्ड वेज है, मिक्स्ड वेज है, फेम भी प्रिय है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें मिक्स की। बहुत सारे पोषण तत्व से युक्त खाना, आयरन से युक्त खाना आपको मिलेगा, फाइबर से युक्त खाना आपको मिलेगा। हिमाचल से बाहर कहाँ मिलेगा आपको ऐसा खाना? और क्या मम्मी? दाल मखनी है, दाल मखनी है। देखिएगा नानी, बोलो तो सुबह हो गई है, हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं। हमारे घर के पास दुकान है ये वाली, जो नज़दीक है हमारे घर से, नए घर के नज़दीक में। तो ये हमारे गांव से ही है, इनके बेटे मेरे क्लासमेट होते थे, होता है मतलब प्रिंस। तो यही मेरे खेत भी यहीं पर है, यही नीचे मेरे खेत है। तो सामान ले रहे हैं, फ्रूट से लिया पपाया, तरबूज, और ले रहे हैं हम अंगूर। इसके बाद जा रहे हैं हम पुराने घर
दूध वहाँ पे पड़ोसी से लगाया है हमने, जो युवो के लिए लेना पड़ता है। तो बाल्टी लेकर जा रहे हैं हम वहाँ पे, और पुराने घर में कुछ हमारा सामान भी होली कराएंगे। और ब्रूनो से भी मिलूंगी, बहुत दिन हो गए ब्रूनो से नहीं मिली। इनका दुकान के पास बैठ गए। ये वो क्या कर रहे हो आप? मैं बड़ी क्या खाने लग गए हो? की ये है यहाँ की दुकान, ये है अंकल की दुकान। क्या लिया आपने? जूते बोले ना तुम्हारे को पहनने के लिए, जूते संतरा लिया। ठीक है, रसा बढ़िया है। क्या पपीता ले लो, अंदर से कुछ नहीं खाओ। ठीक है, कहाँ जाना है वो? हाँ, घर जाना है। घर नहीं बोलते, बोलते घर जाना है। घर लगता है बंगाली हमारे यहाँ पे हिमाचल में पैदा कैसे हो गया, इसको घर जाना है। पैसे नहीं दिए आपने? पैसे कब दिए आपने यू? बताओ कब दिए आपने पैसे? काका पैसे दो, आपने सामान लिया, पैसे दो ना, जेब से निकालो पैसे निकालो जेब से। बहुत पैसे हुए अभी सामान खरीदा आपने, 100 रुपीज मांगो इधर जी। अच्छा आपने क्या लिया? चिप चिलिया। चिप चिलिया आपने? और क्या लिया? दूध ले जा रहे काका, बाय। अब रोने लग गया ये, गलती से मैंने इसको बाय बोल दिया तो पता चल गया इसको कि हम कहीं जा रहे हैं। ब्रूनो भूल तो नहीं गया ये? ब्रूनो आए, ब्रूनो ब्रूनो अभी लेने भूल जाएगा क्या? मैं कबरू नो भूल जाएगा का? हाँ देखो कितना प्यार कर रहा है ब्रूनो, ब्रूनो 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 ब्रूनो। चलो नीचे, चलो नीचे, मेरे को आप खुद देखा मेरे को वो कर रहा है। 2-4 दिन में ही इसे हमें तुमसे प्यार हो गया है ना, है ना ब्रूनो? नए घर का दरवाजा बड़ा लॉक करके आया हम कि चलो हम घर की सेफ्टी रखते हैं, और ध्यान ही ना कि चाबी साथ में ही लेकर आ गए थे, ये लेकर आ गए। मम्मी भी बाहर निकले हुए थे, तो मेरे को जाना पड़ेगा वापस चाबी लेके, क्योंकि भाऊ और मम्मी वहीं पर है बाहर दरवाजे के। तो दोस्तों किल्टा उठा के मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, घर की चाबी क्योंकि यहीं पे थी। मेरी मेहंदी तो देखो आप, मस्त लगी है ना। ब्रूनो बनी कहाँ चला गया? ये है ब्रूनो का घर। ये वाला रास्ता ऐसा है ना, यहाँ पे आप पैदल भी चलोगे तब भी आपकी सांस फूल जाती है, सामान के साथ चलो तब तो मतलब सांसें फूलनी ही है। तो मेरी तो वैसे ही ब्रीदिंग की आवाज़ इतनी जोर से आती रहती है, सॉरी फॉर दैट गाइस, आई कैन नॉट स्टॉप ब्रीदिंग। नए घर में सब कुछ बहुत अच्छा है नो डाउट, पर मुझे वहाँ पर नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। 2 दिन में ज्योति के घर में तो मैं इतने अच्छे से सोई हूँ, इतनी मस्त मस्त नींद आई है मेरे को यहाँ आते ही। कल भी मैं सोई हूँ 2 बजे, वैसे मुझे 10 बजे नींद आने लगी थी, फिर मैं मम्मी और युवा भी हमारे साथ ही सोने लग रहा था, फिर वो लोग तो सो गए, मेरे को नींद नहीं आ रही पता नहीं क्यों। फिर मैं अपने रूम चली गई, फिर बात हुई थैंक गॉड जीतू जागा हुआ था, उससे मेरी चैट हो रही थी। तो फिर दीदी बोलता दीदी फ़ोन पर बात करूँ, फिर हमारी फ़ोन पर बात हुई 1.5 घंटा, अच्छी खासी बात हुई है। फिर मेरे को काफ़ी अच्छा बेटर फील हुआ, क्योंकि पता क्या होता है जब आपको नींद नहीं आ रही होती है यू ट्राई, तो फिर यू गेट मोर फ्रस्ट्रेटेड, तो वो रेस्टलेसनेस ही हो रही थी मुझे रात को। पर चलो बात करके अच्छा लगा, इट फील्स गुड टू बी इन टच विद योर फैमिली दिस वे। अभी मुझे मिल गई इडली, पीछे बैठना पड़ेगा ना यहाँ पे। मुझे मिल गई भैया की, पैसा ले लो, चिंता रख दिया मैंने यूटिलिटी के अंदर, अब जाऊंगी मैं आराम से। ये है अंकु भैया, आपको क्या हुआ है?
मूड क्यों ऑफ है आपका? सुस्ती बढ़िया है। अच्छा सुस्ती। अंकु भैया की गाड़ी मिल गई, थैंक गॉड। नहीं तो मेरे को इतना चलना पड़ता है, थोड़ा सामान है इसमें भारी लग रहा है। तो आराम से पहुंच गई मैं, बस यहाँ से ये कष्ट है कि बहुत चलना पड़ता है, ऊपर वाले फ्लोर है हमारा, लिफ्ट का काम पता नहीं कब तक होगा, तब तक हमें चल के चल के मेरा वेट लगता है ऐसे ही लूज होने जाए हो जाएगा यहाँ पे। आई डोंट वांट टू लूज मोर। तू मल्ला के हिंदी नहीं रे मारा थक के। नमस्ते जी। नमस्ते। और जी ठीक हो आप? ये है मेरी आंटी जी, ये लो चाबी। छोटे तो पहुंच गई मैं घर, इतना चल के अंकु भाई मिल गए थे मेरे को। अंकु आस्ते दे ना सेना ते खाए दे दे ले उठा दे उठ लेट दे। हां पर ते नहीं तो घर थक गए हैं। गो तेरे हाल ना है सुना पे मेरे बॉडी बॉडी सारे सारे जा रहे हैं जा रहे हैं। क्या तुमसे ओके तो भी होले इच में क्या है, इच में क्या है? वो आते सारे कोटे कर दे। तो पहुंच गए घर में भाई, ऐसे क्या करना ना, इन डायमंड चाबे इंदी बैठना। देखो पानी फिर तो मैं पी है पे लगी मैं और सुख तेलो पानी पी कि जानो पानी पीले आज आने मैं फ्रूट्स, मतलब मैं फ्रूट्स लेकर आई हूँ आज। इतने दिन उसमें मैंने फ्रूट ढंग से खाए नहीं, बनाना रहते तो थे यहाँ पर, बट अब फ्रूट्स और खाऊंगी। अब मेरे को थोड़ा धाम वाम में तो रोज चल रहा था, अब मैं पूरा अपने हेल्थ रिजीम में वापस आने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत दिन हो गए मुझे चीट मिल तो चलो क्या, घर पे वैसे घर पे ही घर का खाना ही खाते हो आप, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती हैं कि आप डाइट में थोड़ी चीज़ें हेल्दी और पौष्टिक चीज़ें आप ऐड नहीं कर पाते हो। दोस्तों अगर आपके घरों में भी बच्चे हैं तो आपके बच्चे भी इतने ही ऑब्सेस्ड हैं क्या JCB से? क्योंकि हमारा यूवू तो बहुत ज़्यादा है। इसको क्या गाओ? इसको JCB ही देखनी है, JCB देखनी है। अब मैं आगे फ्रूट्स काटे, फ्रूट्स पता नहीं रखे कहाँ, मम्मी ने लेके तो आए हैं आज फ्रेश फ्रूट्स मेक मी हैप्पी। इसमें रखेगा अच्छा, कितने लेके आए आज? सब्जी बनेगी क्या इसकी? हाँ बहुत न्यूट्रिशियस होती है ये पूरी डब्बा आप पैक कर डाल दें। आई हैव गॉट फ्रेशन अप, मेरी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हमारे यूवू देखो क्या कर रहा है, नहीं आ रहा है, मैं कुछ प्राइवेट चीज कर रहा है। छोटे और बड़े पर उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ मेरी ये प्राइवेसी रिस्पेक्ट, क्योंकि देखो जब ये बड़ा होगा और मेरे ब्लॉग देखेगा कि मैंने इसके ऐसे वाले ब्लॉग भी डाले जिसमें तो ही बी वेरी एंग्री विद मी एंड आई डोंट वांट टू मेक हिम एंग्री, आई डोंट वांट टू मेक हिज फ्यूचर वर्जन एंग्री विद मी और एम्बैरस्ड। मैंने इतनी टेस्टी वो बनाया है, पुलाव बनाया, ये देसी चावल का पुलाव है। और ये वो कहाँ खाएगा, ये वो की कहाँ प्लेट है, ये खाएगा अपने रूम में। गाड़ियाँ ढोनी है बस, अब इसको गाड़ी नीचे लेकर आया, अब इसको ऊपर जाना है तो ऊपर भी गाड़ी लेकर जाना है इसको, सारी गाड़ी इसको चाहिए ऊपर साथ में। मैं उठा लेगी चीची, चलो हाँ चलो वो उठा लेगी उठा। टीवी देखने जा रहे हैं ऊपर, इसको टीवी के साथ ही खाना होता है सब कुछ। और टीवी भी इसकी कोई वो नहीं कि जो लगा दो देख लेगा, नहीं ये इसकी भी चॉइस है अपनी, वही देखेगा जो इसको पसंद आएगा। तो आपको 2-3 मिनट बैठना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए। अभी हमें भगाने के लिए तैयार है, बस इसको खाना वाना हो गया, इसका पर्पस सॉल कार्टून लगा लिया, अब हम यहाँ से भागे। दैट्स समथिंग इज सीन, तुम यहाँ से भागो। लेकिन वे आगे मम्मी सोए आराम से। और ये है मेरा पुलाव, मैंने इसमें घी डाला, मम्मी का हो गया बिना, मम्मी घी नहीं खाती साथ में तो फिर उनका हो गया बिना। फिर खाएंगी दही के साथ, मम्मी खाएगी बिना दही के साथ, मैं खाऊंगी घी के साथ, मम्मी खाएंगे चम्मच के साथ। नहीं नहाया अभी, आ जाओ जाना
ये भूल गया मैं घर पुराने घर में केले पुराने घर पे चला चल ये दादी चल दादी है पर केले देखने घर में चल मैं जा रही हूँ जाऊ कहाँ जा रहा पुराने घर को ठीक है फिर से आ गया उसी दुकान में युवा अब सामान लेने आ गया दादा वहां से आज मुझे इतना भगा रही है ना मैं अभी इतना नीचे जाके आई अब मेरे को फिर से बोलेगी जयवंती बुआ है जो उसने मिलाऊंगी व्लॉग्स में आ भी चुकी है ऑलरेडी वो पर अभी मैं मिलाऊंगी वो हमारे एक ऐसा इकलौता पीस है ना हमारे गांव में एकदम मस्त मौला है एकदम इतनी गपौड़ी है कि उनके साथ कोई बंदा बोर नहीं हो सकता उनके साथ अब बैठ जाओ ना तो किसी के साथ भी बैठा दो तो इतनी गप्पे लगाएंगी इतने गप्पे लगाएंगी मस्त कि मतलब मन ही आपका मतलब आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते उनके साथ में चलो मैं जा रही हूँ अब उनसे मिलने लस्सी लेके आनी पता नहीं कितनी लस्सी का क्या बनाना है ऑलरेडी मासी लेकर आए मैं आज लस्सी तो मैं चल रही हूँ रास्ते में हूँ मुझे मिल गई अपनी ट्विन वेरोनिका मिल गई मुझे वेरोनिका हम जा रहे हैं अब कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं लस्सी लेने कहाँ जा रहे हैं वेरोनिका को पता है लस्सी किससे लेने जा रहे हैं हम हाँ पता भी है आपको नहीं है ये मेरे साथ आ गई है वो बुआ जिनकी मैं बात कर रही थी ये पूरा एंटरटेनमेंट करती है एकदम ऐसा अच्छा तो चलो चलो पूरी बुआ कल माने कल मारेंगे गप्पे में कल मैं व्लॉग बनाऊंगी फिर इनके साथ आना पक्का ठीक है आज आ गए हैं पापा जी भी तो पापा से मैंने मंगवाया था सनस्क्रीन क्रीम सनस्क्रीन में मेरे को ये वाला लेके आ गया ये नहीं चाहिए था मुझे पर ये लेके आ गया क्योंकि ये थोड़ा ड्राई है मेरी स्किन ड्राई है तो मेरे को सूट नहीं कर रहा पर ठीक है चलेगा तो आज बना रही है मम्मी क्या बना रहे हैं मम्मी गुच्छी की सब्जी बना रहे हैं ये प्याज मैंने काटे और ये है ये बहुत न्यूट्रिशियस होती है वैसे इसको बेचने के लिए बोलते हैं डुंगलू डुंगलू की बात भी आसान ना सिलेंडर के लड़ा तो मैंने दुनिया की सबसे महंगी सब्जी है पापा बताएंगे इसके बारे में ज्यादा नहीं आता कुछ सबसे महंगी है यहाँ हमारे में खाते नहीं जंगल में मिलती है हाँ जंगल में मिलती है भैया को मिलता था मेरे को नहीं मिला एक दो हमारी किस्मत कभी ऐसी अच्छी रही नहीं हमें किस्मत खुद बनानी पड़ी पापा के साथ धीरे धीरे कंफर्टेबल हो रही हूँ ब्लॉग्स बनाने में ऐसे में मतलब बोल नहीं पाते पता नहीं थोड़ा सा थोड़ा टाइम में हो जाएगा पर हाँ मैं बात करके सनस्क्रीन की तो मैंने इनसे मंगवाया और मेरे को ये फील बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक ना बहुत सालों से मतलब तीन चार साल हो गई थी मैं खुद से ही चीज़ें कर रही हूँ मतलब अकेले सब चीज़ संभाल रही हूँ मैंने वो टेंडर ले रखा था कि मेरे को सब कुछ अकेले करना है खुद करना है आई हैव टू बी विद माई सेल्फ एंड ऑल अभी मैं घर पर मेरे को अभी बहुत सालों बाद मैंने शायद से पापा से कुछ मंगवाया होगा पापा को बोला तो मेरे को ये फील बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं घर पे हूँ और मैं पापा को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि पापा आते टाइम ये लेकर आना तो सनस्क्रीन वॉज अ लाइक इट का मतलब एक पता नहीं आप रिलेट कर पाओगे इस फील से कि नहीं पर जो मुझे इस बार घर पे आके फील हो रहा है मुझे घर पे रहना अच्छा लग रहा है घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है आई एम नॉट रनिंग आफ्टर थिंग्स कि मेरे को स्पेस चाहिए मेरे को यहाँ से जाना है आई एम फीलिंग मोर सटल विद माई सेल्फ और मेरे को घर पे रहने अच्छा लग रहा है और घर और ये वाली लाइफ आपके साथ शेयर करना भी अच्छा लग रहा है सो वी आर हैविंग आवर डिनर देखो सरसों का साग हो गया ये डुंगलू की सब्जी है
और हम बचाव करते हैं कटोरिया यूज करने का, क्योंकि धोने के लिए बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो हम बचाव करना चाहते हैं गाइस। सो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, होप सो आपको पसंद आया।